यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव में फिल्म अभिनेता सलमान खान से प्रचार करने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि सलमान खान नाचने गाने और प्रचार करने के पैसे लेते हैं। कमलनाथ ने सलमान को भी मोटी रकम दे दी होगी। तो वहीं आरक्षण के मामले में कोठारी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर कमलनाथ सरकार समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। देखिए, पहली बात तो अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट बात नहीं आई कि सलमान खान कांग्रेस का प्रचार मध्य प्रदेश में करने वाले हैं, और अगर करे भी तो हो सकता है कमलनाथ जी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उन्होंने कुछ खर्चा किया हो, क्योंकि सलमान खान बिना पैसे के जो है वो आंख भी मारने का काम नहीं करते। तो डांस और चुनाव प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है। और अब जिस तरीके से आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने की बात की जा रही है, ये सबका सब जो है केवल भ्रमित करने का लोकसभा तक का खेल है। इसके बाद सारा भंडा फूट जाएगा। कमलनाथ जी को मालूम है कि उन्होंने कल रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश की, लेकिन साथ में उनको फेयरवेल पार्टी भी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उनका ये अंतिम कैबिनेट का मामला था। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद मुश्किल है कि वो अपने आप में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह पाए।